वारिखे शेरशाही के मुताबिक आज के पटना नगर का नाम पटना सन 1541 के बाद से पड़ा है। इस वीडियो को हम तीन पार्ट में समझेंगे। नंबर फर्स्ट पार्ट इपिक पार्ट होगा, नंबर सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो होगा हिस्टोरिकल डेटा एंड फैक्ट पर बेस्ड होगा, जो हमारे एग्जाम के काम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटना भारतीय इतिहास में अनेक नामों और कारणों से चर्चित रहा है। पटना की अधिष्ठात्री देवी पटन देवी है। इसकी प्राचीनता का वर्णन भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में मिलता है। ईसा पूर्व यह पाटली ग्राम से जाना जाता था। मान्यता है कुश नामक राजा गदी जो महर्षि विश्वामित्र के पिता थे उनकी कन्या का नाम पाटली था, अर्थात विश्वामित्र की बहन का नाम पाटली था। उसी कन्या को पुत्र प्राप्ति पर प्रसन्न होकर राजा गदी ने पाटली पुत्रा नगर बसाया था। दूसरी मान्यता के अनुसार चारों तरफ पाटली वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम पाटली पड़ा था। कालांतर में यही नगर अनेक नामों से प्रचलित हुआ, जिसमें पाटली, पाटली ग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्पवती, पुष्पहयपुर, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पटना एंड अजीमाबाद। औरंगजेब का पौत्र अजीमुशा जब बिहार का सूबेदार बना था तो उस समय कुछ समय के लिए पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। अब हम आते हैं अदर नेम्स देख लेते हैं, जिसमें कि तमिल लिटरेचर के अकॉर्डिंग पाटली पचनम, पाली फोव अकॉर्डिंग टू चाइनीज लिटरेचर, पाली बोत्रा अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज एंड ग्रीक लिटरेचर। हमें अब हिस्टोरिकल फैक्ट देखना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी राजगृह थी। यही बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे। बिंबिसार के पुत्र जो अजात शत्रु थे उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया। अजात शत्रु के जो पुत्र थे उदयन थे। इन्होंने क्या किया कि राजगृह जो कैपिटल थी मगध साम्राज्य की उसको ट्रांसफर किया पाटलिपुत्र में, क्योंकि इनके पिता ने जो इनके पिता अजात शत्रु थे पाटलिपुत्र को बसाया था। यहां पर हमें राजधानी ट्रांसफर करनी है राजगृह टू पाटलिपुत्र, कलकत्ता टू दिल्ली नहीं। तो ये अपना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रहा। दूसरा कुछ और हम लोग हिस्टोरिकल इसकी फीचर देखते हैं। एक मॉस्क है हुसैन शाह ऑफ बंगाल की, जो कि 1499 में पटना में ही बना था। सिखों के 10वें गुरु और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद साहब जी का भी जन्म यहीं पर हुआ था। बांकीपुर में 1786 में एक गोलघर का स्थापना हुआ था, जिसको कि कैप्टन जॉन ग्रेस्टन्स ने बनाया था, जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है। ये जो सा सेकेंड पार्ट था हिस्टोरिकल, और थर्ड पार्ट है 1541 के बाद आज का पटना, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी जो अफगान रूलर थे उन्होंने इसे नए तरीके से बिल्ड किया था। 1541 के बाद से पटना नाम पड़ा है। और इसी के बीच में औरंगजेब का पौत्र अजीमू शाह आता है, उसके नाम पर अजीमाबाद इसका कुछ दिनों के लिए पड़ता है। संस्कृत के व्याकरण जिसको अष्ट अध्याय कहते हैं, पाणिनि ने लिखा है अष्ट अध्याय को, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में ही 520 बीसी में हुआ था। 520 बीसी में हुआ था पाणिनि का जन्म। इनका टाइम पीरियड 520 से 460 तक है। तो ये रहा अपना कुछ इंफॉर्मेशन पाटलिपुत्र नगर से और पाटलिपुत्र नगर के नाम से रिलेटेड। आशा करते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपने इसका कुछ बेनिफिट लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।